coconuts. Coconuts production in India is so high. पूरा दुनिया में इंडिया कोकोनट प्रोडक्शन में थर्ड प्लेस में है, फिर भी कोकोनट इंडिया पे बहुत अनहाइजीनिक सेक्टर है। नारियल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि नारियल का साइज और वेट बहुत ही ज्यादा है। हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर से फ्रेश फ्रूट जूस काली एक ही ऑप्शन है, वो भी पानी डाल के डाइल्यूट कर रहे हैं। In order to solve all these problems, we came up with a brand called CocoFit. Hi Sharks, I'm Shashikant, founder and CEO of CocoFit Private Limited, based out of Hyderabad. Main hu Sunil Kumar, CEO of the company. Aap lungi mein the abhi? Ha. Oho. Kya transformation hai? Totally. Seriously. I'm Pawan, director of the company. Director of the company. Yes. हमारा बिजनेस आइडिया बहुत ही सिंपल है, कोकोनट दुनिया को पूरा कॉर्पोरेट बनाना है, क्योंकि 256 बिलियन रेवेन्यू है कोकोनट के आसपास में एवरी ईयर इन आवर कंट्री, फिर भी कोकोनट दुनिया पूरा अनऑर्गेनाइज्ड, अनहाइजीनिक एंड अंडर यूटिलाइज्ड सेक्टर है। शार्क्स, वी आर हियर आस्किंग फॉर ₹5 फॉर एन इक्विटी ऑफ 5% ऑफ आवर कंपनी। ₹5? यस, ₹5। We started CocoFit in 2019 August. 2 years, despite pandemic, we managed to start 31 outlets across 7 different countries. Seven different states. Bhai, lekin jaisa tumhara states aur countries mein confusion hai, koi rupees mein to confusion nahi hai. ₹5 mein, ₹1 har ek shark ka, agar sab aana chahe, aap 5% company ka dene ko taiyar hai. ₹10 mein 10% de do. ₹100 mein company. We are having few conditions. Like, we got multiple franchise requests from different countries and people are good to go CocoFit shuru karne ke liye, but wahi problem hai ki humko nahi pata hai kaise to move on to multiple countries kyunki operations bahut mushkil hai. We need someone who strongly supports us and who knows business better than us. Achhi thinking hai, maturity kafi hai aap mein. Sab log aake aisa kyun nahi karte yahan pe, mujhe samajh nahi aa raha. Shashikant, this is not real. This is not real. What you are saying, sir? I think आपको नारियल बेच के ना real चीजें समझ आने लगी है. जो आपने pitch भी किया है ना, ये भी real नहीं है भाई. What is the product that you sell? हाँ, वो दिखाओ. Nice. भाई तेरे को 5 रुपए ही चाहिए ना. 20 रुपए का तो जूस पी लिया मैंने. What is the revenue now? अभी तक हमने आसपास में 3.1 crores बिजनेस किया एंड ग्रॉस प्रॉफिट 2.4 crores है. हमारा नेट प्रॉफिट 2.1 crores है आज तक. How is it possible? अगेन नारियल. 95% ग्रॉस मार्जिन है क्या भाई? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, मास्टर फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है. समझाओ. इन लास्ट 2 महीने में हम 2 मास्टर फ्रेंचाइज सेल किया. एक मास्टर फ्रेंचाइज का कॉस्ट 50 लाख है. सो वो दोनों ही मिलके हम 1 करोड़ डायरेक्ट प्रॉफिट किया. वो मास्टर फ्रेंचाइज के आदमी यूनिट फ्रेंचाइज सेल करने तो भी हमको 50% आता है. बाबा रे बाबा, तुम तो बहुत तोड़ू लोग हो यार. मतलब तो आप प्रोडक्ट सेल ही नहीं करते, बस फ्रेंचाइज सेल कर देते. तो मैं बताता हूँ, ये ऐसे होता है कि जो मास्टर फ्रेंचाइज लिया उनका जॉब है कि सेल करना उनका स्टेट में. द प्रॉब्लम इज अगर हम गुजरात में भेजना चाहते हो तो हमारा हिंदी इतना बकवास है, अभी भी बात इतना अच्छे से बात नहीं कर सकते. अगर हम अच्छा गुजरात में सेल करना चाहिए तो कैसे सेल करेंगे? मतलब आपका प्रोडक्ट बिजनेस तो है नहीं, आपका फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है. प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक कर सकते हो तब तक कर सकते हो, उसके बाद अगर आपका फ्रेंचाइजी नेटवर्क पैसे नहीं बनाएगा तो ये तो बंद होने वाला है, वो आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाएगा. राइट, वही सोच रहे हैं हम. वही सोच रहे नहीं भाई, सोचो मत, वही होने वाला है. आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताओगे क्या? नारियल काटने से पहले क्या कर रहे थे? वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड. वाओ, अरे वाह, बहुत अच्छे. आई बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, सो आई वर्क फॉर अ कंपनी. अभी आप छोड़ दिया ना? अभी मैं नहीं छोड़ा, मैं छोड़ने के लिए देख रहे हैं. अच्छा. I am working with या छोड़ दिया? Working with, yes. और आप भी कर रहे हो अभी तक? कहाँ पे काम कर रहे हो अभी तक? जीजीके में कर रहा हूँ, सेल्स. जीजीके में? तो आप यहाँ पे हम में से काम कराने लाए हो कि किसी को हम में से कोई कर लेगा?
यार देखो ऐसा है, चाहे तुम एक रुपए में दे रहे हो या सौ रुपए में दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को भी नहीं चाहिए, ठीक है? मैं बहुत क्लियर हूँ। आप औरों को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए इक्विटी। आप बोल रहे हो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हम नौकरी छोड़ दें। मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है। I am out. मेरा डिसीजन फाइनल है। मुझे लगता है आपको अपना फ्रेंचाइजी यूनिट इकोनॉमिक्स पे बहुत काम करना चाहिए। फ्रेंचाइजी आपके घर पे बैठ जाएंगे और मैं नहीं जाता वो मेरे घर के बाहर बैठे। करेक्ट, ठीक है, सिंपल इशू है। जब तक पैसा बनता है फ्रेंचाइजी आपका है, जिस दिन पैसा बंद हो जाएगा फ्रेंचाइजी मारेगा। और मेरे को ना सुकून चाहिए, पैसा नहीं चाहिए बहुत। सीरियस, ठीक है? बहुत लोगों को यहाँ पे खाली पैसा ही चाहिए। मेरे को लगता है ना आप जीनियस हो। तुम अपनी बात करो ना यार। आपका जो मेन बिजनेस है वो ये पैकेट है, ठीक है? साशे, जो आप इससे कमाते हैं वही आपका बिजनेस है। आपको चाहिए ये हीरो बने। You just need to make this sachet so good that entire India, entire globe is using your sachet to make their coconut products. आपका franchisee Lenskart franchisee से महंगा है। ये जो आप पैसा ले रहे हैं ना, 5-5 लाख रुपए, ये सूद समेत वापस जाएगा किसी दिन। मेरे तो एक सिंपल फिलॉसफी है, घर आई भी लक्ष्मी को मना नहीं करते। अब लक्ष्मी जी खुद चल के आ रही है, मैं मना थोड़ी करूंगा भाई। मेरा भी एक फिलॉसफी है, आप जो काम कर रहे हैं वो इंडिया में किसको करना है, इंडिया की तरक्की के लिए। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत पीछे, वो इम्पैक्ट आप कर रहे हैं, तो मुझे कोई डर नहीं लगता है। अगर फ्रेंचाइजी कल आ भी जाता है तो हम देख लेंगे। इफ टुमारो फ्रेंचाइजी इज मेकिंग लॉस, आप खड़े हो कि नहीं? आई जस्ट वांट टू टेल वन आंसर, वी कैन हैप्पीली क्लोज कोकोफिट बाय नाउ, बिकॉज़ हमने ऑलरेडी 2-3 करोड़ किया। फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक अस, 2 करोड़ इज बहुत ज्यादा है। हमारा पूरा जिंदगी में इफ वी सेव मनी, 2 करोड़ इज लाइक, नाउ यू आर कमिंग इनटू योर ओन। नाउ स्टिल व्हाट यू शुड स्टिल स्टिल द रीजन व्हाई वी डिड नॉट इज वी आर आंसरेबल, वी ऑलवेज बी आंसरेबल। भाई भाई अभी हम तीन शार्क आ रहे हैं, सुनो आपको कंडीशन आपको बता दे। आर यू कन्विंस और यू वांट टू टॉक मोर? Sharks, will you be fine if we go with a different proportion? Like if we want 2 sharks or 1 shark, will that be, you guys will be fine? Your call, yeah, you are the entrepreneur. I'm not okay with that. So that's the only deal available. That's the only deal available. Can I tell you what we can offer? Yes, that's what we're looking for. No, it's important to know because expectation clear honi chahiye. Yeah. अगर मैं किसी बिजनेस में पैसे लगाऊं और वो बिजनेस फ्लॉप हो जाए तो मेरा भी नाम खराब होता है, करेक्ट? Yes. मैं फालतू में आपके साथ पैसे नहीं लगाऊंगा। मेरे को नारियल से बहुत प्यार है और मुझे लग रहा है इस बिजनेस में हम कुछ कर सकते हैं, इसी के लिए आ रहा है। अगर आप पैसे भी मांगते हैं ना एक्स्ट्रा, तो भी मैं देने को तैयार हो जाता। कुछ ढूंढ लेंगे, जो ये पीयूष ने बोला कि फ्रेंचाइजी फीस वगैरह कम करनी है, अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तो हम वो पैसे यूज नहीं करेंगे, वो बैंक में रख देंगे, ताकि अगर कोई बेचारा फ्रेंचाइजी पैसे नहीं बना रहा उसको उठा के वापस दे देंगे, क्योंकि उसने ट्रस्ट किया है हम पे, उसके पैसे वापस देंगे, उसको खर्चने भी नहीं देंगे। दैट वोंट बी एन इशू। Sharks, you are happy and we want to close this deal. Lovely. All right. Well done, guys. Well done, my friend. Thank you so much. ये लिखने में भी शर्म, ये तो पढ़ा है भाई। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। Congratulations. Thank you so much. No more lost in translation. Thanks to CocoFit. Okay, bye. Thank you so much. तुमको समझ नहीं आया क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कोई बात नहीं, चमक गई थी वो गेम। नहीं बट लक्ष्मी जी को मैं मना कभी नहीं करता, ये मेरा असूल है बचपन करना। लक्ष्मी जी खुद चले जाए तो ठीक है, मैं नहीं मना, लेकिन बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आया मजा आया।